सुरेश भाई सबसे अनोखे अम्ब्रेला के नीचे हम इस समय यहाँ पर लाइव खड़े हैं और हमने देखा आप लोगों ने सबसे अनोखा अम्ब्रेला की बात भी की, आई थिंक ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अम्ब्रेला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत ही अनोखी फीलिंग है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं, ये इस दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे जो इस वक्त हम कर रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वेरी स्पेशल फीलिंग, अनोखी फीलिंग है ये हमारे लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि काटर रोड पर है ये, मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, चाहे बारिश हो धूप हो, लोगों को यहाँ आना अच्छा लगता है। तो अब पहले हमें लगता था कि बारिश के दिनों में बाहर नहीं जाना है, भीग जाएंगे, बट इतना बड़ा अम्ब्रेला बड़ी ह्यूज, तो आई थिंक अब वो दिक्कत नहीं होगी, आराम से वो बैठ के बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे ये यमराज है, ये कोई और लोग से, हम यम लोग से आए हैं, हम परी लोग से आए हैं, तो हमारे लिए भी एक नया जादू है ये, अच्छा लगता है। जी तैयारी अब आप कर लिए, धमाका हम कर चुके हैं और अब 31 को धमाका जरूर देखेगा सब टीवी पर रात को 9 बजे 31 जुलाई। और इस बार जो है सब टीवी ने एक स्टेप आगे गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है और परफॉर्मेंसेस एक से बढ़कर एक है, तो वो क्या होने वाला है वो तो हम आपको नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको देखना होगा। कुछ गेटअप के बारे में अगर हम जानना चाहें आप, कि गेटअप के बारे में कुछ बताएं। शर्म नहीं आती आपको? भगवान से पूछ तो ऐसे कपड़े क्यों पहने, मजाक कर रहे हैं। तो गेटअप ऐसा है कि ये मुकुट है और ये आभूषण है और हम ऐसे ही कपड़े पहन के घूमते हैं और ये सोने का है, तो कोई मनुष्य हमें लूटने का प्रयास ना करे, लेकिन हम ऐसे ही घूमते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, मेरा गेटअप हम बचपन में थे, ऐसी ड्रेसेस बचपन में जब हम फेरी टेल्स पढ़ते थे, परियों की कहानियाँ, तो हम भी चाहते थे काश मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, तो भगवान ने मुझे मौका दिया है रानी परी बनने का, तो मेरा जो गेटअप है ये काफ़ी ह्यूज है, इसमें चलना भी मुश्किल हो जाता है कई बार, बट देखिए हम परी लोग से पृथ्वी लोग में आप सबसे मिलने आए, तो थैंक यू।